हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा फेस पैक बनाने के तरीकों के बारे में बताने वाले हैं और उसके फ़ायदों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, खास करके लड़कियों के लिए। लड़के भी इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपके घर में एलोवेरा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, गुलाब जल और एलोवेरा। एक चम्मच गुलाब जल, दो चम्मच एलोवेरा का गूदा ले लें, उसे एक कटोरे में डाल लें और अच्छी तरह से मिक्स करके अपने हाथों से अपने चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट तक ऐसे ही लगे रहने दें। उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लें और साफ़ तौलिए से इसे पोंछ लें। ऐसा करने से आपके स्किन में गजब का निखार आएगा। नंबर दो, मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा। एक चम्मच एलोवेरा जेल, एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी, और अगर आपके पास गुलाब जल है तो वो भी थोड़ा सा डाल लें, यानी कि आवश्यकता अनुसार। इसे एक कटोरी में लें और मुल्तानी मिट्टी को मिला लें। अच्छी तरह से इस मिश्रण को मिक्स कर लें और इसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। 15 से 20 मिनट तक इसे अपने चेहरे पर लगा रहने दें और सूखने दें, और उसके बाद ठंडे पानी से धो लें। ऐसा करने से भी आपकी स्किन में गजब का निखार आएगा और आपकी स्किन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सब तरह की समस्याएं ठीक होने लग जाएंगी, वो भी बहुत ही जल्दी। नंबर तीन, हल्दी और एलोवेरा। एक चुटकी हल्दी, एक चम्मच एलोवेरा। अगर आपके पास शहद है तो एक चम्मच शहद, और गुलाब जल हो तो उसमें भी थोड़ा सा गुलाब जल डाल लें। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें एक कटोरे में डालकर, और इसका एक पेस्ट तैयार कर लें और पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट तक इसे लगे रहने दें और गुनगुने पानी से अपने चेहरे को साफ कर लें, यानी कि गुनगुने पानी से। ऊपर वाले में ठंडे पानी से था, इसमें गुनगुने पानी से है। अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं तो आपके स्किन में एकदम लाजवाब निखार आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। एंटी एजिंग भी आपके चेहरे में बढ़ जाएगी, लंबे समय तक आप जवान दिखाई देंगे। नंबर चार, केला और एलोवेरा। एक चम्मच एलोवेरा जेल, दो पके हुए केले। केले को छीलकर एक कटोरी में अच्छी तरह से मैश कर लें, यानी कि मिक्स कर लें। इस बाउल में एक चम्मच एलोवेरा जेल डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिल जाने के बाद इसे फेस पैक की तरह अपने चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट तक इसे सूखने दें। 10 मिनट बाद अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें और साफ तौलिए से पोंछ लें। ऐसा करने से भी आपकी स्किन में एक बेहतरीन निखार देखने को मिलेगा। ये उपाय आप हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर करें। नंबर पाँच, दही और एलोवेरा। सामग्री में आएगी दो चम्मच एलोवेरा जेल, यानी कि एलोवेरा का गूदा ले लें। एक चम्मच दही ले लें, आधा चम्मच शहद हो या फिर नींबू हो, इन्हें लेकर एक अच्छी तरह से मिश्रण को तैयार करें। पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अपने चेहरे पर लगाएं। 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें और इसे अपने चेहरे पर सूखने दें। सूखने के बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा करने से भी आपके स्किन में गजब का निखार आएगा। नंबर छः, खीरा और एलोवेरा। दो चम्मच एलोवेरा जेल, एक चम्मच खीरे का रस लें। 2-3 बूंद लेवेंडर एसेंशियल ऑयल ले लें और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके एक मिश्रण तैयार करें। उस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं। 10 से 15 मिनट तक उसे सूखने दें और उसके बाद ठंडे पानी से, याद रखिए, ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें। ऐसा हफ्ते में 2 बार करने से भी आपके स्किन में गजब का निखार आएगा। स्किन से संबंधित चाहे वो पिंपल्स हो या झाइयाँ हो, झुर्रियाँ हो, किसी भी तरह की समस्या हो, बहुत ही तेज़ी से असर देखने को मिलेगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। नंबर सात, शहद, नींबू और एलोवेरा। दो चम्मच एलोवेरा जेल, आधा चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच शहद। एक बाउल में सारी सामग्रियों को मिलाकर अच्छी तरह से पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और उसे सूखने दें। उसके बाद गुनगुने पानी से इसे साफ कर लें। ऐसा करने से भी आपके चेहरे में अच्छा निखार देखने को मिलेगा। नंबर आठ, नीम और एलोवेरा। दो चम्मच एलोवेरा जेल, एक चम्मच शहद, 8 से 10 नीम की पत्तियां लें और थोड़ा सा पानी लें। इसे ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें। जब इसका पेस्ट तैयार हो जाए तो इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15 से 20 मिनट के लिए इसे सूखने दें। उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। ऐसा करने से भी आपकी स्किन में गजब का निखार देखने को मिलेगा। नंबर नौ, पपीता और एलोवेरा।
पके हुए पपीते के 2 से 3 स्लाइस ले लें, यानी कि पीस ले लें। 2 चम्मच एलोवेरा जेल और आवश्यकता अनुसार गुलाब जल, यानी कि 1 चम्मच गुलाब जल डाल लें बहुत रहेगा। उसको एक बाउल में डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उस मिक्स करके उसके एक पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं 10 से 12 मिनट के लिए, इसे ऐसे ही छोड़ दें और आखिरी में ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें और साफ तौलिए से अपने चेहरे को पोंछ लें। इस उपाय को अगर आप लोग हफ्ते में 2 बार भी करते हैं तो आपके चेहरे पर गजब का निखार देखने को मिलेगा और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। स्किन से संबंधित किसी भी तरह की समस्या खत्म हो जाएगी। नंबर 10, चंदन और एलोवेरा। 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन और आवश्यकता अनुसार गुलाब जल ले लें। इन तीनों को एक कटोरे में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसका एक पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दें। उसके बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें। आपको गजब का निखार देखने को मिलेगा अपनी स्किन के अंदर। इसे आप अपने हाथ पैरों पर भी लगा सकते हैं। उसके लिए आप इस मिश्रण को थोड़ा ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। अगर आप सुंदर और गोरा दिखना चाहते हैं, स्किन से संबंधित समस्याओं को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये उपाय हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको 1% भी ठीक लगती है तो इसे अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी हेल्थ से जुड़ी हुई, फिटनेस से जुड़ी हुई, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई और वीडियो लेकर आते रहें और आप हमेशा हैप्पी रह सकें, खुश रह सकें और हेल्दी रह सकें।